फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट स्वीट ब्रेड। कोकोनट स्वीट ब्रेड बनाने के लिए हमने कोकोनट को कट करके इसे मिक्सी में ग्राइंड करके ऐसा चूरा रेडी कर लिया है। अब हमने लिया है दो ब्रेड और अब ब्रेड के किनारे को हम लोग कट कर लेंगे। ब्रेड को अब हम बीच से ऐसा कट कर देंगे। इस शेप में हमें इसे कट करना है। ब्रेड हमारा कट हो चुका है। अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। हमारा पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। तेल हमें अच्छा गरम होना चाहिए। तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर ही इसे तलेंगे। हमें इसे दोनों तरफ गोल्डन कर लेना है। अब हमारे ब्रेड के स्लाइस गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा ब्रेड फ्राई हो चुका है। अब हमें पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप। उस बनाने के लिए हमने 3 कप शुगर लेना है। इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। शुगर को हमें मेल्ट कर लेना है। जब हमारा शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हम इसे 2 मिनट तक शुगर हमारा मेल्ट हो चुका है। हमें इसमें तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस 2 मिनट तक इसे बॉईल करना है। ये देखिए, बस थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। अब हमें इसमें 4 इलायची के दाने डाल देने हैं ताकि हमारा टेस्ट अच्छा है इसमें। अब हमने गैस को बंद कर देना है। अब हम इसमें चाशनी में ब्रेड के स्लाइस को डालेंगे। चाशनी में हमें 2 मिनट तक डुबाना है, फिर इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हमने ब्रेड को पूरा चाशनी में डाल के निकाल लिया है। अगर आप कुछ क्रिस्पी चाहिए तो आप चाशनी में इसको तुरंत डिप करें और इसको निकाल लें। और अगर आपको थोड़ा सा इसे सॉफ्ट पसंद है तो आप 2 मिनट इसको चाशनी में रखिए और फिर इसे निकाल लीजिए। अब हम इसे ब्रेड में ऐसे इसको लगाएंगे। ऐसे देखिए, इसको ऐसे करेंगे ताकि हमारा कोकोनट अच्छे से इसमें स्प्रेड हो जाए। ये देखिए, हमारा कोकोनट स्वीट बनकर रेडी है।
कोकोनट स्वीट ब्रेड बनाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए अंदर से पूरा रस, ये देखिए बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।